हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, यूपीएससी द्वारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट्स के पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें दो एग्जाम होंगे, जिसमें दो पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का होगा, जो कि 250 नंबर का होगा। ये क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। सेकंड पेपर आपका जनरल स्टडीज एसे और कॉम्प्रिहेंशन का है, जो कि 200 नंबर का है। इसमें आपको एसे राइटिंग करनी होगी इंग्लिश या हिंदी में, लेकिन प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट और अदर कम्युनिकेशन तथा लैंग्वेज स्किल जो है आपका इंग्लिश में ही होगा। सेकेंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 100 मीटर रेस करनी होगी, उसके बाद 800 मीटर रेस करनी होगी और लॉन्ग जंप करना होगा और शॉट पुट यानी कि गोला फेंकना होगा। 100 मीटर रेस में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 16 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड। 800 मीटर रेस में मेल कैंडिडेट को 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप में मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 3 मीटर। इसमें आपको तीन तीन चांस दिए जाएंगे और शॉट पुट यानी कि गोला फेंकना होगा, जो कि 7.26 किलोग्राम का होगा। इसको केवल मेल कैंडिडेट को ही फेंकना है 4.5 मीटर। इसके बाद आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। इंटरव्यू आपका 150 नंबर का होगा। उसके बाद ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो पेपर वन आपका जो है जनरल मेंटल एबिलिटी तथा इंटेलिजेंस का है, जिसमें आपसे जनरल मेंटल एबिलिटी में लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल साइंस में आपसे जो है बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन तथा एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमेना, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें करेंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटी तथा डेवलपमेंट इशू, इसके अलावा इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन तथा इंटरप्ले अमंग द नेशन के बारे में पूछा जाएगा, बिजनेस तथा ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें देश के पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साथ ही सोशल सिस्टम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल तथा इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू और ह्यूमन राइट इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर्स, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही इंडिया तथा वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पेपर जो है आपका जनरल स्टडीज एसे और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। इसके पहले पार्ट में आपको एसे लिखना होगा, आप इसको हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो कि 80 नंबर का होगा। ऐसे जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें कि स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी या फिर पॉलिटी एंड इकोनॉमी, या फिर नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशू, या फिर एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड होगा। सेकेंड पार्ट में आपसे कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग तथा अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल, ये पेपर आपका केवल इंग्लिश में होगा और 120 नंबर का होगा। तो ये थी इसकी डिटेल में जानकारी। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो इसमें हाइट जो है मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। वेट जो है मेल कैंडिडेट का मिनिमम 50 किलोग्राम और फीमेल कैंडिडेट का मिनिमम 46 केजी होना चाहिए। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पे जो है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए सीसेट स्पेशल यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट लॉन्च किया जा रहा है। ये एक तरह का टेस्ट है, जिसमें लगभग 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आपके पास अच्छा मौका है। ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और एनरोलमेंट पूरी तरह से फ्री है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट में आपको उनको सॉल्व करना होगा, और अगर आपकी रैंक 1 से 3 के बीच में आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और अगर आपकी रैंक जो है 4 to 10 के बीच में है तो आपको 75% की स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जिन लोगों की 11 से 50 के बीच में है उनको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जिनकी रैंक 51 से लेके 500 के बीच में है उनको 25% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है, आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करें, उसके बाद आपको वहां पर एक कोड डालना होगा, जिसमें SR अड्डा कोड डालें, SRADDA। उसके
बाद आप फ्री में इनरोल हो जाएंगे। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चलाया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए, तो आप यहां पर 50% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि हजारों लर्नर्स जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग टेस्ट देंगे। तो यहां पर आप जो है अपनी रैंक के अनुसार देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड होगा। और इसके अलावा अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन दिल्ली में टेस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये 24 अप्रैल 2022 को होगा। जीएस का पेपर आपका 9:30 से 11:30 के बीच में होगा और सीसेट का 12:30 से 2:30 के बीच में होगा। ये ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा और पूरा जो है एग्जैक्ट फाइनल प्रीलिम्स पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए हैं। टेस्ट सेंटर की बात करें तो दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में होगा। तो अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्रशांत धवन सर द्वारा चलाई जा रही है। ये मंडे से फ्राइडे शाम को 7:30 पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी और इसमें जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उनको ₹1,000 का गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा, सेकंड रैंक को जो है ₹500 और जिनकी रैंक जो है 3 से 10 के बीच में होगी उनको ₹250 का रिवार्ड गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से फ्री है, आप इसको इनरोल कर सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। बस इनरोल करने के लिए आपको एसआर अड्डा कूपन कोड डालना होगा SRADDA। इसके साथ ही आप Pathfinder करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से फ्री है। ये टेस्ट सीरीज जो है डॉक्टर महिपाल राठौर द्वारा बनाई गई है। ये जो है हर संडे को शाम को 5 बजे होगी, जिसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मिनट में। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज है। जिसकी रैंक 1 से 3 के बीच में आएगी उनको अनअकैडमी नोट्स और मैगजीन दी जाएगी, और जिनकी रैंक 4 से 10 के बीच में आएगी उनको मैगजीन दी जाएगी। इसको फ्री में एनरोल कर सकते हैं और एनरोलमेंट के लिए आपको जो है एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।